हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुशबू किचन एंड गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं मिलवाने जा रही हूँ अपने लेमन प्लांट से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा लेमन का प्लांट और जिसे मैंने पॉट के अंदर ग्रो कर रखा है और इसे मैंने आप लोग को पहले भी मिलवा चुकी हूँ। उस समय इसमें लेकिन फ्रूटिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अभी आप देख, मैं आपको दिखाऊंगी इसमें बहुत सारे लेमन आए हैं फ्रेंड्स। बंच में बिल्कुल लेमन हमारे प्लांट में आया है और ये छोटा सा हमारा लेमन का प्लांट है फ्रेंड्स, और इसमें बहुत सारे लेमन आ रहे हैं और इसे मैं ऑलरेडी बहुत सारी हार्वेस्टिंग भी की हूँ। और वैसे तो मुझे इसमें हार्वेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब हमारा ये लेमन तैयार होता है फ्रेंड्स, तो ये खुद से येलो कलर का होता है, वो खुद से टूट कर नीचे गिर आता है। तो फिर मैं उसे उठा लेती हूँ और मैं उसे यूज करती हूँ। आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इसमें देखिए फ्लावरिंग भी अभी भी हो रही है, प्लस फ्रूट्स भी आ चुके हैं ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने टेरेस पे लेमन प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं या फिर कहीं पे भी, तो इसे ग्रो करने में आपको परेशानी आ रही है, कुछ भी इसके रिगार्डिंग आपके अंदर क्वेरी है, आप जानना चाह रहे हो इसमें किस तरह का फर्टिलाइज़र यूज करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं इसका आंसर करूँगी और इस पर एक नई वीडियो ज़रूर से बनाऊँगी। और तो फ्रेंड्स, आप देखिए इधर मैं आपको दिखा रही हूँ कितने सारे, आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, लेमन नीचे गिरा हुआ है। डेली इसमें 10 लेमन जो होता है वो नीचे मतलब पककर वो गिर जाते हैं, तब मैं फिर उसे उठा लेती हूँ और उसको यूज करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी फ्रूट्स प्लांट के पर आप वीडियो चाहते हो, प्लीज़ कमेंट करें।